हुसैन से। इस बच्चे ने क्या पसंद किया? जालिम कहते हैं हुसैन, पानी तूने खुद के लिए बहाना बच्चे का करता है। अगर बच्चे को प्यास लगी है, बच्चा खुद पानी मांगे। मौला फरमाते हैं अली असगर, तू हुज्जत खुदा का बेटा है, इत्माम हुज्जत का। एक मर्तबा अली असगर ने खुश्क लबों पे नन्ही सी जबान को फेरा, आवाज आई अलाता बस आतश की सदा को बुलंद हो जाता। तो पेश किया नजरें फेर के बातें शुरू किया, उम्र साल बना और हुर मिला के पास आके कहता हुर मिला, इतना कलाम हुसैन हुसैन की कलाम को कदा करके ही बहुत भारी न हो जाए। हुर मिला मलाउन ने वो तीर कमान उठाया जिसके साथ घोड़ों को मारा जाता था, उसमें से शोभा तीर रख के मैं आप मजलू में घर बना के हाथों में लेने लिए सिर का निशाना लिया। इधर ये निशाना ले रहा था, एक मर्तबा इसके हाथों से तीर कमान चुकी, फिर दूसरी मर्तबा निशाना लिया, कमान फिर हाथ से गिरी। उमर साद कहता है और मिला तू तो बड़ा संगदिल था, क्या बात है तेरे हाथ से कमान क्यों छूट गई? कहता है जब भी मैं निशाना लेता हूँ मुझे इस नन्हे से गले पे कभी रसूल का गला नजर आता है, कभी अली का गला नजर आता है। एक बीवी खैमे के दरवाजे पे रो के कहती है जालिम बता मेरे छह माह के बच्चे ने तेरा क्या कसूर। तारीख में मिलता है जालिम कहता है तू तीर चला जिसके गले पे भी लगे, इधर तीर चला। अली असगर ने गर्दन को बढ़ाया, यहाँ पे हमीद में मुस्लिम कहता है कि जब भी मछली को पानी से निकाला जाए ना तो मछली पे तीन हालतें गुजरती हैं। मछली पहले जोर से तड़पती है, जब तड़पने की शक्ति खत्म हो जाती है मछली अपना मुंह कभी बंद करती है कभी खोलती है, जब वो ताकत भी खत्म हो जाती है मछली अपनी आंख को हरकत देती है। वो कहता है हुसैन के हाथों पे अली असगर पे ये तीनों हालतें एक लम्हे में गुजर गए। पहले अली असगर का लफा जोर से, फिर अली असगर ने कभी मुंह खोला कभी बंद किया। वो कहता है इतना जबरदस्त तीर चला दो में हलवा सूम मिला लो कान के एक तरफ से दूसरी तरफ अली अली असगर से वहां हो गया। आपने देखो यहाँ पर अली असगर की कोई अलहदा कब्र नहीं बनी हुई। जब किसी ने सवाल किया अली असगर अली असगर का लाशा कहाँ है, सुनोगे अली असगर का लाशा किधर है? जब लाशें पामाल हो रहे थे ना, हबीब इब्ने मज़ाहिर के रिश्तेदारों ने कहा था ऐ शिमर ऐ उमर साहब बेशक हबीब ने साथ हुसैन का दिया, लेकिन हबीब हमारे कबीले का है, हम इसके लाशे की बेहद भी नहीं होने देंगे, हम हबीब के लाशे को पामाल नहीं होने देंगे। वो कहता है लाशा ले जाओ। थोड़ी देर बाद हुर के रिश्तेदार पड़े, उन्होंने कहा हुर ने साथ दिया हुसैन, लेकिन हमारे कबीले की कोई इज्जत है, हम हुर का लाशा पामाल नहीं होने देंगे। हुर के लाशे को भी उठा लिया गया। तारीख बताती है एक एक के रिश्तेदार आते गए, यहाँ तक के कुछ गुलाम आगे बढ़े। कहते हैं कि जॉन सियाफाम था, जॉन हबशी था, हम हबशियों की भी कोई इज्जत है, हम जॉन का लाशा पामाल नहीं होने दें। तारीख बताती है फकत दो लाशे बाकी थे, एक मजलूम करबला का एक नन्ही अली असगर का लाशा। जब मशरिक के घोड़े मगरिब को दौड़े तारीख बताती है हुसैन के लाशे ने करवट ली, अली असगर के लाशे का क्या? जब मगरिब के घोड़े दौड़े हुसैन के लाशे ने फिर करवट ली।
الذين ظلموا اياهم. پروردگار بحق محمد